हाँ जी, 126 पॉइंट है। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू लो PCO2 इज़ नोन एज। सही है, तो दिस इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सही है, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू लो PCO2 इज़ नोन एज। अच्छा, अब इसमें ना दो कॉन्सेप्ट आप ले लें। अगर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये क्या कॉज करती है? राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो अगर राइट शिफ्ट होगी तो राइट में भी आ रहा है और बोहर में भी आ रहा है, तो वो होगा बोहर इफेक्ट। अगर इंक्रीज ऑक्सीजन हो तो वो राइट शिफ्ट कराएगी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, और इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है सर। अब 127 पॉइंट है, शिफ्ट ऑक्सीजन कर्व टू द लेफ्ट ड्यू टू हाइपोकार्बिया इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। में एल है तो लेफ्ट शिफ्ट, बोहर इफेक्ट में आर है तो राइट शिफ्ट। 128 पॉइंट है, रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर्स व्हाट हैपन टू देम इन प्रेगनेंसी। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिए, प्रेगनेंसी में साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव करता है। यूट्रस नीचे से इंक्रीज़ किया, डायफ्राम अपवर्ड मूव कर गया, सो जिसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज्ड होगी। सही है, और टोटल लंग कैपेसिटी के साथ और क्या क्या चीज़ें डिक्रीज होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर लोड, ये दो चीज़ें भी डिक्रीज होती हैं। सही है, सो TLC, कार्बन डाइऑक्साइड और आफ्टर लोड, ये सारी चीज़ें डिक्रीज होंगी, बाकी हर चीज़ इंक्रीज होगी सर, हर चीज़ इंक्रीज होगी। अब कैसे? रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर्स व्हाट हैपन टू देम इन प्रेगनेंसी, तो लो PCO2 इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज प्री लोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज प्लेसेंटा, सही, एवरीथिंग इंक्रीज। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, सही है, उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। सही है, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज होती है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, TLC जो होता है वो डिक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होती है। सही है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस MCQs है, ये भी सिंपल से हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, व्हाट इज द फाइंडिंग? मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होती है। थर्ड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी, व्हाट इज द फॉलोइंग? टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, वही बातें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज इंक्रीज? रेड सेल मास। सही है, तो आप S1Q3T3 में ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो इसके लिए आप क्या करवाओगे? जो गैलियम स्कैन करवाओगे, CT एंजियोग्राम भी करवाते होते हैं, आपको पता ही है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या होता है? ले बीटा, यानी बेटा वाली जो है वो पहले आएगी। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या देते हैं? ले बीटा लोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। जबकि प्री एक्लेम्शिया हाइपरटेंसिव कंडीशन जो होती है, या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो होती है, उसमें हाइड्रा वाली आएगी, IV हाइड्रिलाजिन इज ग्रेटर देन लेबीटालोल। और एक्लेम्शिया जो होता है जिसमें CNS सिम्टम्स भी आ जाए, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। सही है सर, ये बातें याद रखनी है। बेटा वाली लबीटा लोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। उसके बाद आता है जिस 30 ईयर ओल्ड हु इज प्रेग्नेंट फॉर थर्ड टाइम, डाइज इन थर्ड ट्रिमेस्टर, रोड एक्सीडेंट, दिस टाइप ऑफ डेथ इज कॉल्ड फोर्टुशियस डेथ कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अब नॉर्मलिटी कौन सी होती है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम पे, तो जब भी उल्टी आती है हाइड्रोजन पोटाशियम लॉस होता है, हाइपोकलीमिया। सर्वाइकल इक्ट्रोपियन जो होता है वो किसमें होता है? वो नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। सही है, प्रेगनेंट फीमेल सडनली फेंट्स, वाज टेकन टू ईयर, द डॉक्टर एडवाइस टू पोजीशन इन हर लेफ्ट लैटरल एंड नॉट राइट लैटरल टू अवॉइड कंप्रेशन विच ऑफ द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। तो ये लेफ्ट लैटरल क्यों करते हैं, राइट लैटरल क्यों नहीं करते? ताकि इनफेरियर वेना के वह कंप्रेस ना हो जाए सर। सही है, और एक एपिलेप्टिक लेडी है जो करंटली फिनोटाइन पे है, और फिर वो प्रेग्नेंट होगी, शी इज कंसर्न अबाउट हर मेडिकेशन प्रेगनेंसी, तो आप रिप्लेस कर दो फेनोटाइन को बारबिट्यूरेट से। सही है, और वेरिएशन द इंसिडेंस ऑफ प्रीक्लम्पशिया द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉल इन द डिजीज ड्यू टू, उसकी यूनानिमस डेफिनेशन है डिजीज की सर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज, वही PCO2। नॉर्मल लंग प्रेगनेंसी के विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल रिमेन नॉर्मल इन द प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल जो रहता है वो ग्रोथ हार्मोन रहता है। डिटेक्शन बेस्ट डायग्नोज आफ्टर 10 डेज ऑफ कंसेप्शन, सीरम बीटा SCG, यूरिन में जो है वो 14 डे। तो याद रखना है कि ब्लड में जो है बीटा SCG फर्स्ट वीक, और जो यूरिन है उसमें सेकेंड वीक, यानी 14 डेज। आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का 129। सही है, दिस इज वेरी इजी, कि ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज इज डिक्रीज बाय, तो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज डिक्रीज क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इसने डिफरेंशिएट लिखा है साइनाइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि जो होते हैं ना दोनों इनहिबिट करते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म बाय इनहिबिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। सही है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसका भी नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी पहला लफ्ज़ सी है और वो दूसरा लफ्ज़ ओ है, तो CO फॉर CO, CO इज इनहिबिटर ऑफ CO, तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स 4। ये बहुत ज़्यादा MCQ आता है। सही है, अब हो गया, यही MCQ मेनली आता है। डज नॉट फुली द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड बोथ आर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, बोथ कैन लीड टू पिंक और चेरी रेड स्टेन, यूजली पोस्टमार्टम फाइंडिंग सीजर्स कोमा। अच्छा, बाकी इनके सोर्स उसने लिखनी है, बाय प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट इंजेक्शन ऑफ जो है एमिगडाइलिन, ये जो साइनाइड का सोर्स होता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटरलेस गैस है,
फायर वगैरह और गैस हीटर्स होते हैं, कोई इतनी ये बातें नहीं है। अब साइनाइड पॉइजनिंग के वो क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसमें ब्रेथ होती है बिटर एलमंड ऑर्डर की, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर क्लैप्स होता है, बादामों वाली स्मेल होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, हेड एक, डिजीनेस, मल्टीपल इंडिविजुअल्स में इन्वॉल्व विद फैमिली विद सिमिलर सिम्टम्स इन विंटर, क्लासिकली जो होता है वो ग्लोबस पैलेडस लियंस और MRI होते हैं, और साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है। तो ये ट्रीटमेंट किसको करते हैं, ट्रीटमेंट जो होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग उसमें 100% ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, जबकि जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसमें हाइड्रोक्सीकोबालामीन देते हैं जो साइनाइड के साथ बाइंड करता है और सियानोकोबालामीन बना के रीनल एक्सक्रीशन करवाता है। नाइट्राइट्स भी देते हैं, मेथोग्लोबिन बाइंड करते हैं और साइनोमेथोहीमोग्लोबिन भी देते हैं। सर अफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके कर्व नॉर्मल होता है साइनाइड का, जबकि लेफ्ट शिफ्ट कर्व होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। नर्व मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक बाय साइनाइड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन रिगार्डलेस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड विद इनफ ऑक्सीजन, CO पॉइजनिंग, क्योंकि CO की जो होती है वो ज़्यादा बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ 200 टाइम्स ज़्यादा होती है HB के साथ। मेनी टॉक्सिन्स कॉज सेल डेथ बाय प्रोड्यूसिंग इंजरी एट एंजाइमेटिक लेवल, साइनाइड इंटरफेयर्स विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पेशेंट फैक्ट्री वर्कर हैविंग साइनाइड पॉइजनिंग विद सिनेरियो, व्हाट इज द अंडरलाइंग इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट चेन और बायोकेमिकल डिस्टरबेंस कॉम्प्लेक्स फोर, मोस्ट लाइकली कंडीशन विच कॉज डिक्रीज इन आर्टेरियल O2 सैचुरेशन विद डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, डिक्रीज इन फंक्शनल हीमोग्लोबिन एज इन एनीमिया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मेथेमोहीमोग्लोबिनेमिया विल नॉट कॉज हाइपरऑक्सिया बिकॉज आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल। ऊपर वाले MCQ है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हाइपोक्सिया डज नॉट अकर ड्यू टू आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिमेंस नॉर्मल, वही बातें बार बार। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी ख़त्म होता है, और डू कमेंट कि क्या आप लोग नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, कौन सा रफ़ीउल्लाह का चैप्टर जो है वो आप लोग नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, तो इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियोस फॉर यू पीपल ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें रिवाइज़ हो जाए। थैंक यू सो मच।